हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में ONGC रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 313 निकल के आया है, परमानेंट जॉब है। इसमें आपको सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, कौन सी डिसिप्लिन इसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि ONGC की तरफ से आया है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि ONGC एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जितना भी रिक्रूटमेंट गेट के बेसिस पे होता है, एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट होती है। इसमें वर्क कल्चर, टाइमिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो आपका लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है इन लोगों का वर्क कल्चर वगैरह क्या होती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट निकल के आया है। तो फर्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 निकल के आया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेट्रोलियम के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग में से गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिलिंग के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर पे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो और उसके साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन पे था तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फिजिक्स पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन केमिकल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ केमिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन पेट्रोलियम के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या तो अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 निकल के आया है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिजर्वर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स में से BSc करके रखे हो, और उसके बाद अगर आप लोग जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में से पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ अगर आप लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या तो अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
और फ्रेंड्स जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकल के आया है। नेक्स्ट है केमिस्ट के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिस्ट्री में से पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ केमिस्ट्री में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 निकल के आया है। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग जियोलॉजी में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप लोग पेट्रोलियम जियो साइंस या तो पेट्रोलियम जियोलॉजी में से एमएससी या तो एमटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में से एमई एमटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जियोफिजिस्ट सर्फेस के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग जियोफिजिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी में से एमई एमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में से गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। और उसके साथ अगर आप लोग फिजिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 निकल के आया है, बट उस केस में फिजिक्स में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जियोफिजिस्ट वेल्स के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग जियोफिजिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी में से एमई एमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप लोग फिजिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी और फिजिक्स में से आपको गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 निकल के आया है। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंडियन डिसिप्लिन से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 निकल के आया है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग एमसीए या तो कंप्यूटर साइंस में से पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकल के आया है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो ऑटो इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकल के आया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 313 है और 313 वैकेंसी को हर एक कैटेगरी पे डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहीं पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिलिंग और सीमेंटिंग छोड़ के जितना भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया है। और उसके अलावा अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी और एक्स्ट्रा सर्विसमैन कैंडिडेट हो उन लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके गेट 2020 स्कोर और क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस करके एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट निकलवाया जाएगा और अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा और अगर आप लोग पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें गेट 2020 स्कोर का वेटेज रखा गया है 60%, क्वालिफिकेशन का वेटेज रखा गया है 25% और इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है 50%। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पे क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% यानी कि 9 मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% यानी कि 6 मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22 सितंबर 2021 से और इसका लास्ट डेट रखा गया है 12 अक्टूबर 2021 तक। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है। और फ्रेंड्स मेडिकल कंडीशन का डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स। मैं नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।